हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद मी। आज हम बात करने वाले हैं माइंड मैप फॉर रीजनरेशन बायोलॉजी। अगेन ये जो यूनिट है ये हमने, यानी कि ये जो टॉपिक है ये हमने यूनिट 5 यानी डेवलपमेंटल बायोलॉजी से लिया है। लास्ट टाइम जैसे कि आपने देखा था हमने सी एलिगेंस को माइंड मैप के थ्रू कवर किया था, जस्ट लगभग आप कह सकते हो 15 मिनट में। वैसा ही टारगेट कुछ इस वीडियो में भी रहने वाला है, लेकिन इस वीडियो से आपको सिर्फ मतलब कि कॉपी पेस्ट वाला काम नहीं करना है। इस वीडियो से आपको ये भी सीखना है कि कैसे आप किसी लेंथी चैप्टर को माइंड मैप में कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि ये सारे के सारे नोट्स आपको रिवीजन टाइम में आपकी बहुत ज्यादा मदद करेंगे। सो चलिए देखते हैं वन बाय वन करके कि हमने रीजनरेशन बायोलॉजी को माइंड मैप में कैसे कन्वर्ट किया है। तो जैसे कि अगर हम इन जनरल अगर लेकर चलते हैं तो रीजनरेशन बायोलॉजी या रीजनरेशन किसके साथ डील करता है, सो ये एक प्रोसेस है जिसमें कि किसी भी लॉस्ट या डैमेज पार्ट को रिन्यू किया जाता है, रिस्टोर किया जाता है और ग्रोथ करवाया जाता है मेनली पोस्ट एम्ब्रियोनिक लाइफ में। यानी कि एक बार जब कोई भी ऑर्गेनिज्म पैदा हो गया है उसके बाद अगर कोई डैमेजेस होते हैं तो उस स्ट्रक्चर को, उस डैमेज स्ट्रक्चर को या लॉस्ट स्ट्रक्चर को जो है एक तरीके से वापस से रीग्रो किया जाता है। एक तरीके से ये रीएक्टिवेशन होता है डेवलपमेंटल पाथवे का, लेकिन पोस्ट एम्ब्रियोनिक लाइफ में। और ये इसलिए किया जाता है ताकि मिसिंग या डैमेज टिश्यू को एक तरीके से रिस्टोर किया जा सके। अगर हम रीजनरेशन की बात करें तो ये हमको प्लांट से लेके ह्यूमन बींग सभी ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है, लेकिन किस लेवल तक देखने को मिलेगा ये वैरी करता है। जैसे कि प्लांट में देखा जाए तो प्लांट में जो है एंटायर ऑर्गन जो है एक सिंगल सेल से बन सकता है। हाइड्रा की बात करें तो इसमें भी एंटायर इंडिविजुअल स्मॉल फ्रेगमेंट से बन सकता है। प्लेनेरिया की बात करें तो इसका भी होल पोर्शन जो कि मिसिंग होता है बॉडी पार्ट का, वो एक तरीके से रीजनरेट हो सकता है। एम्फीबियन और फिश में जो है इतनी हाई रीजनरेशन कैपेसिटी तो नहीं होती है, लेकिन ये फिर भी जो है फुल इनका जो लिंब होता है, टेल, फिन्स, लेंस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हार्ट, ये सारे ऑर्गन को ये रीजनरेट कर सकते हैं। अगर हम मैमल्स में आते हैं तो ये रीजनरेशन कैपेसिटी और ज्यादा कम हो जाती है। जैसे कि डियर में एंटलर रीजनरेट कर सकता है एंड माइस एज वेल एज ह्यूमंस में जो है कुछ टिश्यू रीजनरेट कर सकते हैं। अब ये एक तरीके से रीग्रोथ होता है डैमेज या लॉस्ट पार्ट का। और अगर हम इसमें स्टेप्स की बात करें तो इसमें इंक्लूड हो जाता है ग्रोथ, मॉर्फोजेनेसिस एंड डिफ्रेंसिएशन। रीजनरेशन की टोटल चार मोड देखे गए हैं, दैट इज स्टेम सेल मीडिएटेड रीजनरेशन, मॉर्फोलेक्सिस, एपिमॉर्फोसिस एंड कंपनसेटरी। ये चार टाइप के जो है मोड देखे गए हैं रीजनरेशन के लिए। अगर हम रीजनरेशन की कुछ केसेस देख ले ताकि आपको आइडिया लगे कि लगभग जो है मतलब कितने वैरायटी ऑफ केसेस देखे गए हैं, तो यहाँ कुछ एक आध को लिस्ट किया गया है। जैसे कि जो सेलामेंडर्स है इनमें देखा गया है कि ये लगभग जो है अपना लिंब और टेल रीग्रो कर सकते हैं अगर वो एक बार कट हो गए या फिर डैमेज हो गए। तो टोटल रीजनरेशन का केस हाइड्रा और प्लेनेरिया में देखा गया है। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को रीजनरेट करने का काम सेलामेंडर और फिश में देखा जाता है। इसके अलावा मैमल्स में जो है लिमिटेड एबिलिटी होती है जिससे कि वो कुछ ही पार्ट को या कुछ ही टिश्यू को जो है एक तरीके से रीग्रो कर पाते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, रेटिना, हार्ट, लिवर एंड फिन का रीजनरेशन जेब्रा फिश में देखा गया है। सेलेमेंडर में जो है होल लिंब रीजनरेट हो सकता है। फ्रॉग के लार्वा में जो है टेल और आईलेंथ जो है रीजनरेट हो सकते हैं। प्लांट में जो है एंटायर प्लांट को डेवलप किया जा सकता है इंडिविजुअल सेल से, दैट इज विद द हेल्प ऑफ अ सेल कल्चर, और इस टाइप के सेल्स को जो है टोटिपोटेंट कहा जाता है। और लगभग अगर देखा जाए तो ये जो कैपेसिटी होती है वो बैक्टीरिया से लेके ह्यूमंस में देखने को मिलती है कि इनमें जो है रीजनरेशन कैपेसिटी पाई जाती है, लेकिन किस हद तक होगी, किस लेवल तक होगी वो डिपेंड करता है, क्या फुली रीजनरेट करेंगे या फिर कुछ बॉडी पार्ट को ही वो रीजनरेट करवाएंगे। तो जो पहले टाइप का रीजनरेशन आता है ये होता है स्टेम सेल मीडिएटेड रीजनरेशन। इस रीजनरेशन में जो है स्टेम सेल एक्चुअली मदद करता है उस लॉस्ट पार्ट को रीग्रो करने में या लॉस्ट टिश्यू को रीग्रो करने में जो कि एक तरीके से किसी एक्सीडेंटल इवेंट में जो है लॉस्ट हो चुका हो, या फिर आप कह सकते हो वो नॉर्मल बॉडी प्रोसेस का भी पार्ट हो। जैसे कि एग्जांपल के लिए जो है आपकी हेयर शाफ्ट का रीग्रोथ होना फॉलिकुलर स्टेम सेल की मदद से, दैट इज मेनली इन द हेयर ब्लजेस। इसके अलावा जो कंटिन्यूअल रिप्लेसमेंट होता है ब्लड सेल का हमारी बॉडी में वो किसके द्वारा होता है, हिमाटोपोएटिक स्टेम सेल के द्वारा होता है, दैट इज मेनली इन बोन मैरो। तो ये दोनों एग्जांपल है स्टेम सेल मीडिएटेड रीजनरेशन का। अगर हमें केस स्टडी की बात करें तो स्टेम सेल मीडिएटेड रीजनरेशन जो है फ्लैट वर्म यानी कि प्लेनेरिया में भी देखा गया है।
इसपे जो स्टेम सेल काम करता है उसका नेचर होता है प्लूरिपोटेंट, और अगर हम नाम की बात करें तो इट्स अ क्लोनोजेनिक नियोब्लास्ट, जिसे हम सी नियोब्लास्ट कहते हैं। तो सी नियोब्लास्ट एक स्टेम सेल होते हैं जो कि प्लूरिपोटेंट नेचर के होते हैं, और इनके पास कैपेबिलिटी होती है कि वो जो है एक तरीके से पूरा रीजेनरेट कर सकते हैं उन सब टिश्यू का जो कि लॉस्ट हो गया है प्लेनेरिया में। तो रीजनरेशन के टाइम पे मान लीजिए अगर आप जो है प्लेनेरिया को कट कर देते हो तो हर एक पीस जो है अपने आप को रिक्रिएट कर लेता है और एक नॉर्मल प्लेनेरिया बना लेता है, और उसमें वो सारे टिश्यू एंड सारे ऑर्गन होते हैं जैसे कि फोटोरिसेप्टर, नर्वस सिस्टम, एपिथीलियम, मसल्स, इंटेस्टाइन, फेरिंग्स एज वेल एज गोनाड। एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें क्या किया गया, सी नियोब्लास्ट को हाई रेडिएशन दिया गया, ठीक है। हाई रेडिएशन की वजह से क्या हो गया, सारे के सारे सी नियोब्लास्ट की मतलब कि सबके सब नियोब्लास्ट की डेथ हो गई। तो देखा गया कि उसमें कोई रीजनरेशन देखने को नहीं मिला, जो लॉस्ट पार्ट थे वो रीजनरेट नहीं हुए। उसके बाद दोबारा से सी नियोब्लास्ट लिया गया और इस बार लो रेडिएशन दिया गया। लो रेडिएशन देने की वजह से क्या हुआ, सिंगल सी नियोब्लास्ट सर्वाइव कर गए और हेंस उन्होंने जो है रीजनरेशन में पार्टिसिपेशन शुरू किया और रीजनरेशन देखा गया। एक ऐसा प्लेनेरिया जिसमें कोई रीजनरेशन नहीं होता है, ऐसे मॉडल प्लेनेरिया को लिया गया, उसमें सिंगल सी नियोब्लास्टेड स्टेम सेल को ट्रांसप्लांट किया गया तो देखा गया कि उसमें रीजनरेशन रिस्टोर हो गया था। तो प्लेनेरिया की ही बात करते हैं, जैसे मान लीजिए दिस इज अ इंडिविजुअल प्लेनेरिया, अगर आप इसको बाइसेक्ट कर देते हो, हाफ पार्ट में डिवाइड कर देते हो, तो ये रीजनरेट करके जो पार्ट इसका मिसिंग होता है ना वो पार्ट दोबारा बना लेता है, यानी कि हेड वाला पोर्शन जो है टेल बना लेगा, टेल वाला पोर्शन हेड बना लेगा। अगर आप इसको इक्वली तीन पार्ट में एक तरीके से कट कर देते हो तो तीनों के तीनों पार्ट जो है रीजनरेट कर सकता है, दैट इज हेड वाला पार्ट टेल जनरेट कर लेगा, टेल वाला पार्ट हेड जनरेट कर लेगा, और मिडिल पीस जो है वो यहाँ से हेड और यहाँ से टेल रीजनरेट कर देगा। लेकिन अगर आपने मान लीजिए कटिंग का ओरिएंटेशन अगर थोड़ा चेंज किया, कहने का मतलब हो गया कि यहाँ पे भी आपने तीन पार्ट में डिवाइड किया है लेकिन मिडिल पीस अगर बहुत ज्यादा नैरो है तो उस केस में रीजनरेशन फेल हो जाएगा, और इसलिए क्योंकि अगर मिडिल पीस, मिडिल स्लाइस या मिडिल पीस जो है बहुत ज्यादा अगर नैरो है तो उस केस में ऐसा मॉर्फोजन ग्रेडियंट जो कि मदद कर रहा था रीजनरेशन में वो एक्चुअल में मदद नहीं कर पाएगा। तो अगर हम एक मॉडल ले तो ये रहा प्लेनेरिया, इसका ये रहा इंटीरियर पोर्शन जहां पे हेड पाया जाता है, पोस्टीरियर पोर्शन जहां पे टेल पाया जाता है। अगर हम सिग्नलिंग की बात करें कि कौन से फैक्टर्स होते हैं जो हेड फॉर्मेशन या टेल फॉर्मेशन में मदद करते हैं, तो हेड फॉर्मेशन में नोटम मदद करता है और ERK मदद करता है, इन दोनों का आपको कंसंट्रेशन हेड एरिया में देखने को मिल जाएगा लेकिन हेड एरिया में WNT नहीं पाया जाता है। टेल एरिया की बात करें तो यहाँ पे WNT पाया जाता है और WNT सिग्नलिंग जो है टेल डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो कुछ एक्सपेरिमेंट में क्या देखा गया कि अगर आप इंटरफेरेंस RNA टेक्निक को जो है बीटा कैट के अगेंस्ट में अप्लाई करते हैं मेनली इन टेल, क्योंकि बीटा कैट तो टेल एरिया में ही है, तो उस केस में क्या होगा पूरे के पूरे प्लेनेरिया में मतलब जो टेल वाला पोर्शन है वो भी हेड में कन्वर्ट हो जाएगा, उस केस में टेल नहीं बनेगा क्योंकि आपने बीटा कैट को इनहिबिट कर दिया है। अगर आप RNAi टेक्निक को टेक्निक से जो है बीटा कैट को कंप्लीटली एलिमिनेट कर देते हैं तो उस केस में भी क्या होगा हेड बन जाएगा टेल की तरफ में और आईज जो है आपको पूरे पेरिफेरल एरिया में देखने को मिलेंगी, यानी कि अगर आप किसी भी तरीके से बीटा कैट या WNT सिग्नलिंग को रोकते हैं तो उस प्लेनेरिया में टेल नहीं बनेगा, सिर्फ और सिर्फ बॉडी एक्सिस में जो है हेड ही आपको देखने को मिलेगा। यहाँ भी वैसे एक्सपेरिमेंट किया गया है कि एक वाइल्ड टाइप प्लेनेरिया की बात करते हैं तो ये रहा इंटीरियर, ये रहा पोस्टीरियर जहां पे इसकी दो आंखें हैं और ये रहा टेल। लेकिन अगर आप बीटा कैट को ब्लॉक कर दो जिससे कि WNT पाथवे ब्लॉक हो जाता है तो उस केस में देखिए एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों ही एरिया में आइज बन गई है, यानी कि हेड बन गया है। सॉरी, अगर आपने मान लीजिए WNT1 को ब्लॉक कर दिया तो अगेन WNT सिग्नलिंग ब्लॉक हुई, उस केस में भी आप देख सकते हैं देयर इज नो टेल, ओनली हेड विल बी देयर, इनफैक्ट पोस्टीरियर एरिया में भी आपको हेड देखने को मिलेगा। अगर हम ग्रेडियंट की बात करते हैं तो जो डायग्राम D है वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है सभी के ग्रेडियंट को कि कहाँ पे कौन सी चीजें प्रेजेंट है। जैसे कि एंटीरियर पोर्शन जो होता है हेड वाला एरिया वहां पे नोटम है, ठीक है, नोटम की मदद से जो है WNT को एंटीरियर एरिया में रोका जाता है इसलिए WNT पोस्टीरियर एरिया में एक्सप्रेस कर पाता है। हेड एरिया में ERK भी है और सिमिलर गोज विद दी WNT बीटा कैट जो कि पोस्टीरियर एरिया में है और पोस्टीरियर एरिया में जो है WNT ERK को रोकता है क्योंकि ERK जो है एक तरीके से हेड स्पेसिफाइंग प्रोटीन माना जाता है। इस तरीके से देखा जाए तो हेड एरिया में नोटम WNT को रोकता है और ERK वहां पे एक्सप्रेस कर पाता है।
और नोटम और ईआरके का प्रेजेंट रहना और डब्ल्यूएनटी का प्रेजेंट ना रहना, ये सब चीजें हेड स्पेसिफिकेशन करवाती है। अगर आपने नोटम को रोक दिया एक तरीके से तो हेड साइड जो है टेल में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि डब्ल्यूएनटी हेड साइड में आकर एक्सप्रेस हो जाएगा। और अगर आपने डब्ल्यूएनटी बीटा कैट दोनों में से किसी को भी रोका आरएनएआई टेक्निक की मदद से तो टेल जो है हेड साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलर गोज विद द टेल साइड, यहाँ पे डब्ल्यूएनटी बीटा कैट एक्टिवेटेड रहता है और वो ईआरके को जो है पोस्टीरियर साइड में एक्टिवेट नहीं होने देता है जिसकी वजह से टेल स्पेसिफाई होता है। तो ये था फर्स्ट टाइप ऑफ रीजनरेशन। सेकेंड टाइप ऑफ रीजनरेशन होता है मॉर्फल एक्सिस रीजनरेशन। मॉर्फल एक्सिस रीजनरेशन में क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग टिश्यू होती है उनकी रीपैटर्निंग होती है जिसे हम ट्रांस डिफ्रेंसिएशन कहते हैं, और साथ ही साथ जो है नया ग्रोथ भी देखा जाता है लेकिन सिर्फ और सिर्फ थोड़े से अमाउंट में। ऐसा एग्जांपल जो है यानी कि मॉर्फल एक्सिस रीजनरेशन आपको हाइड्रा के केस में मिल जाता है और जेब्रा फिश का जो हार्ट रीजनरेशन होता है उस केस में देखने को मिल जाता है। अगर हम हाइड्रा की बात करते हैं तो ये डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें कि इनके पास सिर्फ एक्टोडर्म और एंडोडर्म होता है, इनके पास ट्रू मेसोडर्म नहीं देखा जाता है। इनफैक्ट इनमें और एक स्ट्राइकिंग बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि हाइड्रा जो है स्टेम सेल मीडिएटेड रीजनरेशन, मॉर्फल एक्सिस एंड एपिमॉर्फोसिस, ये तीनों ही टाइप के रीजनरेशन को ये शो कर सकते हैं। इनफैक्ट एक एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि अगर हम हाइड्रा को 40 पीस में काट देते हैं तो हर एक पीस जो है रीबॉर्न होकर कंप्लीट एनिमल बना लेता है जस्ट लाइक द फर्स्ट वन। यानी 40 के 40 पीस जो है 40 न्यू हाइड्रा बना लेते हैं। ठीक है, अगर हम हाइड्रा की बात करते हैं तो ये रहा एक वाइल्ड टाइप हाइड्रा जिसका जो हेड एरिया है यहाँ पर, जिसको कि हम एक तरीके से हेड एरिया कहते हैं जो कि डिस्टल पार्ट में लोकेटेड होता है, इसे हम एपिकल पोर्शन भी कहते हैं, और ये वाला एरिया होता है बेसल डिस्क जिसे हम फुट एरिया कहते हैं और ये प्रॉक्सिमल पोजिशन में होता है। तो हाइपोस्टोम की बात करें तो हाइपोस्टोम एक ऑर्गेनाइजर की तरह काम करता है, डब्ल्यूएनटी प्रोटीन का प्रेजेंस भी हेड एरिया में ही पाया जाता है और हेड एरिया में ही हाइपोस्टोम होता है। अगर आप हाइपोस्टोम क्योंकि ऑर्गेनाइजर है तो अगर आप इसको बॉडी के किसी और पार्ट में अगर एक तरीके से इंट्रोड्यूस या ट्रांसप्लांट कर दो तो उस एरिया में जो है नए एक्सेस का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी कि सेकेंडरी एक्सेस का फॉर्मेशन हो जाएगा। हाइपोस्टोम जो है पूरे के पूरे हाइड्रा में इकलौता सेल्फ डिफ्रेंशिएटिंग रीजन होता है, और हाइपोस्टोम जो है हेड इनहिबिशन रीजन भी सिग्नल भी प्रोड्यूस करता है जिससे कि नए ऑर्गेनाइजिंग सेंटर वहां पे ना बने। इतना ही नहीं, अगर देखा जाए तो हेड एरिया में जो है हेड एक्टिवेशन ग्रेडियंट प्रेजेंट रहता है, फुट एरिया में फुट एक्टिवेशन ग्रेडियंट प्रेजेंट रहता है। अगर एक एक्सपेरिमेंट की बात की जाए तो ये एक्सपेरिमेंट यहीं पे किया गया था जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें क्या हुआ था, देखिए कि एक हाइड्रा से जो है हाइपोस्टोम लिया गया और एक तरीके से हाइपोस्टोम को लेकर जो है उसको ट्रांसप्लांट किया गया दूसरे हाइड्रा के बर्डिंग जोन में। ठीक है, तो जब वहां पे ट्रांसप्लांटेशन हुआ तो देखने को मिला कि अगर आप हाइपोस्टोम को ट्रांसप्लांट करते हैं तो सेकेंडरी एक्सेस का फॉर्मेशन होता है, और सेकेंडरी एक्सेस का फॉर्मेशन के टाइम पे जो हमें बाहर की तरफ स्ट्रक्चर दिखता है वो होता है हेड का। सिमिलर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया बेसल डिस्क को बडिंग जोन में, मेनली बडिंग जोन कौन सा होता है, ये बीच वाला होता है, तो दैट इज ट्रंक एरिया में ट्रांसप्लांट किया गया किसको, बेसल डिस्क को। तो अगेन वहां पे भी सेकेंडरी एक्सेस का फॉर्मेशन हुआ लेकिन ओरिएंटेशन उल्टा था, दैट इज इस बार जो है बेसल डिस्क बाहर की तरफ था और हेड वाला पोर्शन अंदर की तरफ था। इतना ही नहीं, जब दोनों को एक साथ ट्रांसप्लांट किया गया एक ही रीजन में तो तीन टाइप के रिजल्ट हमको देखने को मिले कि मतलब तीन टाइप के रिजल्ट हमको देखने को मिल सकते हैं। पहला, या तो वीक एपिकल इंडक्शन होगा जिसमें कि बहुत ही थोड़ा सा अमाउंट जो है हेड वाला पोर्शन दिखेगा, या फिर कोई इंडक्शन नहीं होगा, या फिर वीक जो है बेसल इंडक्शन होगा जिसमें कि थोड़ा सा पोर्शन बेस वाला दिखेगा। तो इस तरीके से ये एक्सपेरिमेंट ने इस चीज को प्रूव किया कि हेड एरिया में जो है हेड एक्टिवेशन ग्रेडियंट होता है और फुट एरिया में फुट एक्टिवेशन ग्रेडियंट होता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये एक हाइड्रा हेड एरिया एंड फुट एरिया, ये वाला है हाइपोस्टोम जिससे हम हेड ऑर्गेनाइजर कह रहे हैं, WNT3 प्रोटीन यहाँ प्रेजेंट रह सकता है, WNT की मदद से बीटा कैट सिग्नलिंग रन होती है जो कि हेड को स्पेसिफाई करने में मदद करती है। ये बीच वाला जोन जो है एक तरीके से बर्डिंग जोन होता है जहां पे, और ये वाला फुट एरिया होता है, फुट एरिया में कोई भी हेड नहीं बन रहा है, यानी कि वहां पे GSK3 है, GSK3 वहां बीटा कैट को रोक के रखता है जिसकी वजह से वहां हेड नहीं बनता है, वहां पे फुट बनता है। ठीक है, अगर आप हाइड्रा को जो है कट कर दो उसके हेड के जस्ट नीचे से तो उस केस में वो मॉर्फल एक्सिस रीजनरेशन शो करेगा, और अगर आप हाइड्रा को कट कर दो एकदम बीच में से तो उस केस में आपको एपिमॉर्फोसिस देखने को मिलेगा। इनफैक्ट एक L4 म्यूटेंट को भी स्टडी किया गया हाइड्रा में जिसमें कि बर्डिंग डिफेक्टिव, मतलब बर्डिंग जो है उनमें डिफेक्टिव देखा जा रहा था। ये जो L4 म्यूटेंट है
इसका जो बर्ड फॉर्म करने की कैपेबिलिटी थी वो एक तरीके से सक्सेसफुल नहीं देखी जा रही थी। अल्फा म्यूटेंट जो है बहुत ही स्लो रेट से जो है एक तरीके से बर्ड फॉर्म कर रहा था कंपेयर टू द वाइल्ड टाइप ऑर्गेनिज्म। तो इसलिए बोला गया था कि इसमें बडिंग मैकेनिज्म में डिफेक्ट देखा गया। ठीक है, तो ये था ऑल अबाउट मॉर्फोलेक्सिस रीजनरेशन। तीसरा टाइप आता है एपिमॉर्फोसिस रीजनरेशन। एपिमॉर्फोसिस रीजनरेशन में क्या होता है कि जो जिस बॉडी पार्ट में कट लगा होता है या डैमेज हुआ होता है वो एरिया पहले डिफरेंशिएट होकर अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल बनाता है, जिसे हम ब्लास्टिमा भी कह सकते हैं, और आगे चल के फिर वो रीडिफरेंशिएट होकर नया स्ट्रक्चर बना लेता है, लॉस्ट पार्ट बना लेते हैं। अगर यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें तो एम्फीबियन के लिम में ऐसा केस देखा जाता है। तो सबसे पहले मान लीजिए कि किसी एरिया को हमने एम्प्यूटेट किया, एम्प्यूटेट करने के बाद जो है वहां पे वूंडिंग यानी वहां घाव बन गया और वहां पे हीलिंग शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से वहां पे वूंड एपिडर्मिस बनेगा। वूंड एपिडर्मिस आगे चल के जो है ब्लास्टिमा का फॉर्मेशन कर पाएगा। ठीक है, ब्लास्टिमा बन जाएगा यहाँ पर। ब्लास्टिमा जब बनेगा तो देखने को क्या मिलेगा कि ब्लास्टिमा की मदद से जो है फिर ये आउटग्रोथ होगा और आउटग्रोथ के बाद जो है न्यू स्ट्रक्चर को एक तरीके से गेन कर लिया जाएगा। ओके, ओके, जैसे कि हमने कहा कि ये जो पूरा का पूरा रीजनरेशन हो रहा है तो इस केस में जो है आपको एक तरीके से जहां भी एम्प्यूटेट किया जाएगा उस एरिया में जो है हीलिंग होगी सबसे पहले, क्योंकि वहां ब्लड वगैरह लॉस हुआ है, हीलिंग होगा, वूंड एपिडर्मिस फॉर्म होगा, ब्लास्टिमा फॉर्म होगा, आउटग्रोथ होगा, उसके बाद नया स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। इसी केस में जो है यहाँ पर एक तरीके से एईसी फॉर्म होता है जिसे हम एपिकल एक्टोडर्मल कैप कहते हैं। ठीक है, मतलब ये जो वूंड एपिडर्मिस होता है यहाँ पे यही आगे चल के एक तरीके से थिक लेयर बना लेता है जिसे हम एपिकल एक्टोडर्मल रिज कहेंगे। ठीक है, या एक तरीके से एपिडर्मल कैप भी कह सकते हो। ठीक है, तो जो AER था एपिकल एक्टोडर्मल रिज, आपको याद होगा कि हमने इसको लिम फॉर्मेशन में पढ़ा था, तो AER के जैसा बिल्कुल काम करता है, दैट इज AEC। तो क्योंकि हम जो फर्स्ट हमारा फॉर्म हुआ था दैट इज लिम, तो उस केस में AER था, तो AER की जगह पे AEC यहाँ पे काम करता है, तो इसको हम बोलते हैं एपिकल दैट इज एपिकल एपिडर्मल कैप AEC, लेकिन ये इक्विवेलेंट होता है किसके, AER के। ठीक है, यहाँ पे जो ब्लास्टिमा फॉर्म होता है वो ब्लास्टिमा जो है किसी भी तरीके का जो है अनस्पेसिफाइड मल्टीप्रोजेनाइटर सेल का कलेक्शन नहीं होता है, ये जो है एक तरीके से हेट्रोजेनियस असॉर्टमेंट होता है रिस्ट्रिक्टेड प्रोजेनाइटर सेल का। और ब्लास्टिमा सेल जो है रिटेन दियर स्पेसिफिकेशन इवन व्हेन दे आर डिफरेंशिएटेड, तो अपना स्पेसिफिकेशन तब भी रिटेन रहती है जब ये डी डिफरेंशिएट हो चुकी होती है। तो इस तरीके से हमने देखा कि एम्फीबियन का लिम्ब रीजनरेशन किस तरीके से होता है। अब यहाँ पे कुछ मेन पॉइंट्स है, जैसे कि मान लीजिए अगर हम लिम्ब को डीनर्वेट कर दें यानी कि उसमें से नर्व सप्लाई रोक दें, उसके बाद हम उसको एम्प्यूटेट करें, कट करें, तो उस केस में कोई लिम्ब रीजनरेशन नहीं होगा। इस बात से ये समझ में आती है कि नर्व जो है वो नेसेसरी भी है और सफिशियंट भी है ब्लास्टिमा फॉर्मेशन के लिए। AEC जो होता है वो स्टिमुलेट करता है ब्लास्टिमा के ग्रोथ को बाई सिक्रीटिंग FGF8। ठीक है, और AEC जो है AEC का इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल है जब नर्व प्रेजेंट है। अगर नर्व नहीं रहेंगे तो AEC जो है आगे चल के पूरा लिम्ब रीजनरेशन नहीं कर पाएगा, बीच में ही रुक जाएगा। इतना ही नहीं, ये भी देखा गया कि जहां से आप कट करते हो, अगर मान लीजिए आपने एल्बो से कट किया है तो रीजनरेशन एल्बो से होगा, अगर आपने रिस्ट से कट किया है तो रीजनरेशन सिर्फ रिस्ट का होगा। ऐसा नहीं है कि आप कहीं से भी कट करो और शुरू से सब कुछ बनना शुरू हो जाए। ठीक है, तो जहां से आप कट करेंगे वहीं से जो है रीजनरेशन होना शुरू होगा। एक डोज डिपेंडेंट दैट इज एक्सपेरिमेंट भी किया गया रेटिनॉइक एसिड का, कि अगर रेटिनॉइक एसिड का अगर आप डोज देते हो तब क्या होगा। तो रेटिनॉइक एसिड एक्चुअल में प्रॉक्सिमलाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, या फिर फेमस है आप एक तरीके से कह सकते हो। प्रॉक्सिमलाइजेशन के लिए फेमस है मतलब कि जहां भी रेटिनॉइक एसिड आप देंगे वहां पे प्रॉक्सिमल एक्सेस का फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। इसलिए क्या किया गया, देखिए ये रहा डोनर लिम्ब, डोनर लिम्ब से जो है यहाँ पे ब्लास्टिमा हमने ले लिया। पहले ब्लास्टिमा को हमने RA से ट्रीट नहीं किया और हमने इसको प्लेस किया कहाँ पे,
दैट इज प्लेस्ड डोनर रिस्ट ब्लास्टिमा ऑन द मिड थाई रीजन ऑफ द कट होस्ट. एक होस्ट लिया, उसके मिड थाई रीजन पे हमने इस ब्लास्टिमा को एक तरीके से प्लेस कर दिया. तो ये ब्लास्टिमा जिस पोर्शन का था, दैट इज ये रिस्ट का पोर्शन था, तो इसने सिर्फ और सिर्फ रिस्ट बनाया. सेकेंड एक्सपेरिमेंट में क्या किया, हमने ये रिस्ट बनाने वाले ही ब्लास्टिमा को रेटिनोइक एसिड से ट्रीट कर दिया. तो देखने को क्या मिला कि इसी ब्लास्टिमा ने, जिसने कि पहले वाले केस में रिस्ट सिर्फ और सिर्फ बनाया क्योंकि ये सिर्फ रिस्ट बनाने वाला ब्लास्टिमा था, एक्चुअल में इसको आरए से ट्रीट करने के बाद क्या किया, इसने शुरू से सब कुछ शुरू कर दिया बनाना. यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हो जो प्रॉक्सिमलाइजेशन हो गया ब्लास्टिमा का, यानी कि जहां से हाथ शुरू होता है वहां से ही बनाना शुरू कर देगा. तो सिर्फ रिस्ट नहीं बनाया इसने, इसने जो है एक तरीके से प्रॉक्सिमल एरिया से, प्रॉक्सिमल एरिया यानी कि ये वाला शोल्डर एरिया से, तो इसने शोल्डर एरिया से जो है बनाना शुरू कर दिया. तो इसी से पता चला कि हाँ, रेटिनोइक एसिड जो है प्रॉक्सिमलाइजेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है. फोर्थ हमारे पास टाइप चला आता है, दैट इज कंपनसेटरी रीजनरेशन. कंपनसेटरी रीजनरेशन क्या है, इसमें एक्चुअल में कंपनसेशन किया जाता है. इसमें मेनली हाइपरट्रॉफिक ग्रोथ होता है, यानी कि सेल के साइज को बढ़ाया जाता है. ऐसा केस आपको जो है लिवर के केस में देखने को मिल जाएगा, और ये कंपनसेटरी रीजनरेशन आपको मैमल्स में देखने को मिल जाएंगे. इसमें जो है ऑब्वियसली लिवर का वो लोब जो कि लॉस्ट हो चुका है या डैमेज हो चुका है, वो दोबारा से ग्रो नहीं करता है. जो रिमेनिंग लोब होते हैं वो साइज में जो है इनलार्ज हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, और लॉस्ट या मिसिंग टिश्यू को जो है कंपनसेट कर लेते हैं. तो रीजनरेटिंग जो लिवर सेल्स होते हैं वो फुली डिडिफ्रेंशिएट भी नहीं होते हैं जब वो सेल साइकिल में एंट्री लेते हैं तो, और ना ही इसमें जो है रीजनरेटिंग ब्लास्टिमा फॉर्म होता है. तो ना ही फुली डिडिफ्रेंशिएट होते हैं और ना ही इसमें एक तरीके से रीजनरेशन ब्लास्टिमा फॉर्म होता है. ठीक है, तो इसमें जो है टोटल दो तरीके से देखा जाता है मैमेलियन लिवर को रीजनरेट करते हुए. पहला कि जो मैच्योर सेल्स होते हैं वो एक्चुअल में, मतलब कि आपको पता है कि ये जो मैच्योर सेल्स होंगे ये एक्चुअल में डिवाइड मतलब कि नहीं करते हैं. जो मैच्योर सेल्स ऑलरेडी बॉडी में प्रेजेंट है वो डिवाइड नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनको क्या किया जाता है, इनको इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि तुम दोबारा से सेल साइकिल ज्वाइन कर लो और प्रोलिफरेशन शुरू कर दो जब तक कि मिसिंग पार्ट का कंपनसेशन नहीं हो जाता है. ठीक है, तो ये जो मैच्योर सेल्स होते हैं ये दोबारा से सेल साइकिल ज्वाइन कर लेते हैं. और जो पॉपुलेशन होती है हिपैटिक प्रोजेनिटर सेल की, यानी कि लिवर फॉर्म करने वाले सेल्स की, जो कि जनरली क्वेसेंट स्टेज में होती है, उनको एक्टिवेट किया जाता है जब किसी भी टाइप की इंजरी हो जाती है तो. और जो एडल्ट हिपैटोसाइट्स होते हैं दे कैन नॉट रीजनरेट वेल ड्यू टू दी सेनेसेंस, एल्कोहल अब्यूज और डिजीज कंडीशन. तो सिर्फ वही सेल्स पार्टिसिपेट करेंगे जो कि एक्चुअल में हेल्दी हैं, जो सेल्स ऑलरेडी डैमेज होके रखे हैं वो सेल्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से कंपनसेटरी रीजनरेशन में सिर्फ और सिर्फ कंपनसेशन देखा जाता है, यानी कि जो लॉस्ट पार्ट है उसका कंपनसेशन जो जो बॉडी का पार्ट अभी प्रेजेंट है या ऑर्गन का पार्ट प्रेजेंट है वही सिर्फ अपने अपना साइज बढ़ा के दैट इज मेनली कंपनसेट कर लेगा लॉस्ट पार्ट को या लॉस्ट टिश्यू को. तो ये था हमारा फोर्थ टाइप ऑफ रीजनरेशन. ओके, तो आपके सामने मैंने कुछ क्वेश्चंस रखे हैं, इन क्वेश्चंस का आप आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं. और आपने देखा कि हमने 15 मिनट के अंदर अंदर ही जो है पूरा का पूरा रीजनरेशन चैप्टर का जितना भी की पॉइंट्स था उसे हमने एक तरीके से कवर कर लिया माइंड मैप के थ्रू. तो ये पहला क्वेश्चन है जून 2023 का और दूसरा क्वेश्चन है 2018 का. इस दोनों का ही आंसर जो है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोगों ने कितना सुना इस क्लास में. ठीक है, और इसके अलावा आप में से कोई भी स्टूडेंट अगर हमारे साथ CSINIT या गेट की प्रिपरेशन के लिए इंटरेस्टेड होता है तो हमारे बैचेस को ज्वाइन कर सकता है. बैचेस जो है अलग अलग फॉर्म में अवेलेबल है, लाइक 6 मंथ, 12 मंथ कंप्लीट टाइप ऑफ कोर्स भी अवेलेबल है, खाली गेट का कोर्स भी अवेलेबल है. तो आप इनमें से कोई भी कोर्सेस के लिए जो है ऑप्ट कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड होते हैं वेदमी के साथ प्रिपेयर करने में. ठीक है, और अगर आपके पास कोई भी डाउट होता है तो आप गिवन कॉन्टैक्ट ID पे जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. सो थैंक यू सो मच एवरीवन. वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल. बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे गाइस.